क्रियाकलाप 5, एक पतले कागज की पट्टी को नाक के सामने रखें और सांस छोड़ते और लेते समय पट्टी की अवस्था को ध्यान से देखें। सांस लेते समय पट्टी नाक से चिपक रही होगी और सांस छोड़ते समय नाक से दूर जा रही होगी। आपकी सांस रुकी हो तो पट्टी पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब आप कोई भी खाने की चीज़ को गटकने की कोशिश करें। क्या खाना गटकते समय पट्टी पर कोई प्रभाव पड़ा? ऐसा क्यों हुआ होगा? कई बार खाना खाते समय या पानी पीते समय आपको ठसका क्यों लगता है? आम तौर पर श्वास नली और आहार नाल के बीच का वॉल्व सांस लेते समय खुला रहता है और भोजन गटकते समय वॉल्व सांस नली को बंद कर देता है। कभी जल्दी निगलते समय यह ठीक से बंद नहीं हो पाता। गलती से खाना श्वास नली में भी चला जाए तो यहाँ की मांसपेशियों के संकुचन से आपको तेज खांसी आती है, जिससे यह गले से बाहर निकल सके। सांस लेने की प्रक्रिया में नाक और मुंह से हवा अंदर जाती है और हवा ही बाहर निकलती है। बाहर निकलने वाली हवा का तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा तथा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। वातावरण और सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन के लिए चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या आप जानते हैं, विश्राम करते हुए व्यक्ति के फेफड़ों में प्रति घंटा लगभग 1 घन फुट बराबर ऑक्सीजन का उपयोग होता है। कड़ी मेहनत के दौरान यह मात्रा 10 गुना बढ़ सकती है। हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन की खपत होती है, उससे थोड़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यह सांस से हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से बढ़ जाने तथा ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने पर हम हांफने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने तथा ऑक्सीजन बढ़ने पर हमारी सांस लेने की गति सामान्य हो जाती है।